नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी ओशो द्वारा कही गई है। ओशो कहते हैं कि जो हासिल है उसका शुक्र मनाओ, घमंड करने से कोई लाभ नहीं है। समय समाप्त हुआ तो खत्म ही समझो, जो पास है उसे देकर एक क्षण भी तुम अतिरिक्त नहीं पा पाओगे। तो दर्प कैसा, किस चीज का? कहते हैं जब सिकंदर भारत आया तो एक फकीर से मिलने गया। सिकंदर अपनी अकड़ में था, जीतता चला आ रहा था, हार उसने कभी जानी ही नहीं थी, उसके जैसा विजेता कोई नहीं, तभी तो महान कहा जाता था। लेकिन उस फकीर ने उसको ऐसे देखा जैसे कोई दरोगा चोर को देखता है, कोई पुलिस वाला चोर को देखे, ऐसे देखा। अब सिकंदर इतना जीत चुका है, गुस्सा हुआ, तिलमिलाया। उसने कहा, ऐसे क्यों देखते हो, मैं हूं सिकंदर महान। फकीर ने कहा, तू किस बात से महान है? सिकंदर ने कहा, सारी दुनिया जीत चुका हूं। फकीर ने कहा, एक बात सुन, तू मरुस्थल में खो जाए, रास्ता भटक जाए, प्यास लगे और मैं यह अपना लोटा पानी भरकर तेरे सामने आ जाऊं, तू गिड़गिड़ाए कि मुझे पानी दे दो और मैं कहूं कि क्या दोगे पानी के बदले, तो तू बोल ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकेगा। सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी हालत है कि मैं मरुस्थल में मर रहा हूं, पानी के लिए तड़प रहा हूं, तो मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन फकीर ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, आधे में तो मैं नहीं बेचूंगा, तूने समझा ही क्या है, इतने सस्ते में बेच दूंगा मैं तुझे, ऐसा मौका छोड़ूंगा, कुछ आगे बढ़, लेना ही है तू तो हिम्मत करना, कंजूसी क्या कर रहा है। सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो मैं अपना पूरा राज्य दे सकता हूं तुम्हें। तो फकीर ने कहा, तो बस हो गया मतलब हल, मेरे लोटे भर पानी की कीमत है तेरे राज्य की, जितना तूने कमाया है सारा राज्य उसकी कीमत जानता है, केवल एक लोटा पानी। तो मेरा लोटा तेरे राज्य से कुछ छोटा नहीं है, तो तू क्यों कड़ा हुआ है? एक लोटे पानी में बिक जाएगा तेरा सारा जीता हुआ राज्य। और मैं तुझसे कहता हूं, जब मौत द्वार पर दस्तक देगी तो पूरा राज्य भी देगा, तब भी एक क्षण नहीं पा सकेगा। और यही हुआ, सिकंदर जब भारत से वापस जा रहा था तो रास्ते में मर गया। मरते समय अपने घर से महज 24 घंटे दूर था। अपनी मां से वादा करके आया था कि कुछ भी हो जाए लौट कर आऊंगा और सारी दुनिया तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। उस समय अपने वैद्यों से उसने कहा था, कुछ भी करो 24 घंटे के लिए मुझे बचा दो। उन्होंने असमर्थता जताई तो सिकंदर हंसने लगा। उस फकीर की बात आज याद आने लगी, कहने लगा, ठीक ही कहा था उस फकीर ने, आज पूरा राज्य देकर भी 24 घंटे नहीं खरीद सकता, तो क्या कमाया, यह जिंदगी पानी में गई, पानी पर रेखाएं खींचता रहा। तो बड़ी ही प्यारी कहानी ओशो ने कही थी कि कितना भी कमा लो एक क्षण भी कमा नहीं पाओगे, बचा नहीं पाओगे, जितना भी कमाया है मौत के समय वो सब बेकार हो जाएगा। तो ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां पढ़ने को मिलती है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आगे भी कुछ कथा कहानियां किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियां पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।